हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि OSI रेफरेंस मॉडल TCP/IP मॉडल कैसे काम करता है और इनमें समानताएं कैसी हैं और डिफरेंसेस क्या हैं। उसके बाद हमने देखा कि प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं और प्रोटोकॉल्स की लेयरिंग कैसे होती है। नेक्स्ट वी केम टू द TCP/IP आर्किटेक्चर। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इंटरनेट प्रोटोकॉल राउटिंग। अब यह इंटरनेट प्रोटोकॉल राउटिंग क्या है? जब डेटा होता है, डेटा को हमने फॉरवर्ड करना होता है फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल राउटिंग एक अम्ब्रेला टर्म है जो ये डिटर्मिन करती है कि पाथ प्रोटोकॉल्स कौन सा फॉलो करेंगी। इन अदर वर्ड्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल राउटिंग इज एन अम्ब्रेला टर्म for the set of protocols that determine the path that data follows in order to travel across the multiple networks from the source to the destination. तो जो sender है वो source हो गया और जो destination है वो receiver हो गया। तो internet protocol routing ये जो process है, it's the process of sending packets from the host of one network to the host of another network. That is at a remote place. And this is done by routers. जो intermediate routers होते हैं, हमारे जो सेंडर है वो पूरा TCP/IP स्टैक यूज करके उसको फॉरवर्ड करता है, फिजिकल लेयर पे आता है, फिजिकल लेयर से फिर वो राउटर्स को जाता है। राउटर्स वो ये देखते हैं कि अगला रिसीवर का एड्रेस क्या है और उस पर फॉरवर्ड कर देते हैं। राउटर्स एग्जामिनेशन द डेस्टिनेशन ऑफ द IP एड्रेस ऑफ द पैकेट एंड डिटर्मिन द नेक्स्ट हॉप। क्योंकि जो इंटरनेट है वो इतने ज्यादा राउटर्स के साथ फॉर्म्ड होता है, तो उसको नेक्स्ट हॉप होना जरूरी है कि वो किस राउटर के कौन से पोर्ट से निकलेगा और अगले राउटर के कौन से एड्रेस पे जाएगा। राउटर्स यूज राउटिंग टेबल्स टू डिटरमिन द नेक्स्ट हॉप। तो इसमें क्या होता है कि राउटर्स में एक राउटिंग टेबल बन जाता है। वो ये टेबल अपने रैम में स्टोर कर लेते हैं और उसको यूज करते हैं डेटा फॉरवर्डिंग के लिए। नाउ लेट अस कंसिडर एन एग्जाम्पल। एक होस्ट ए से राउटर के थ्रू होस्ट बी को इंफॉर्मेशन जानी है। तो राउटर वन जब पैकेट रिसीव करता है तो उसको एग्जामिन करता है, उसका डेस्टिनेशन IP ढूंढता है। जो डेस्टिनेशन IP उसको जो मिलता है वो आउटगोइंग इंटरफेस को वो कनेक्ट कर देता है जहां पे डेस्टिनेशन होस्ट होता है और वहां पे पैकेट फॉरवर्ड हो जाते हैं। अब ये कैसे पता चलता है कि हमें कौन सा राउटर यूज करना है जिससे हम डेटा भेज रहे हैं? तो इसमें एक जो टर्म आती है वो है डिफॉल्ट गेटवे। आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी होम नेटवर्क को या किसी ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क को हम सेटअप करते हैं तो हम एक डिफॉल्ट गेटवे देते हैं। वो डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है कि जो भी वो नेटवर्क एक जनरेट कर रहा है डेटा या कोई भी पैकेट जनरेट कर रहा है, तो वो पहले डिफॉल्ट गेटवे के थ्रू जाएंगे और फिर वो इंटरनेट को रूट होंगे। ये हमें डिफॉल्ट गेटवे हेल्प करता है। सो इन अदर वर्ड्स, द डिफॉल्ट गेटवे इज अ राउटर दैट होस्ट यूज टू कम्युनिकेट विद द होस्ट ऑफ द रिमोट नेटवर्क्स। डिफॉल्ट गेटवे इज ऑल्सो यूज व्हेन द होस्ट डजंट हैव द रूट एंट्री फॉर द स्पेसिफिक रिमोट नेटवर्क। अगर किसी भी रिमोट एंट्री राउटर टेबल में नहीं है तो जो राउटर है वो डिफॉल्ट गेटवे को सारे पैकेट्स दे देता है और वहां से फिर वो ढूंढता है कि अगले राउटर में हम कहां जाएंगे। The hosts can be configured to send all packets destined to the remote networks to the default gateway, which has route to each reach the network. अब जब हमने पहले थोड़ा सा हमने ये routing table के बारे में बात की थी, तो routing table जो है वो हर router maintain करता है और उसको अपने RAM में store कर लेता है। The routing table is used to the routers to determine the path of the destination network. तो routing table में हर network का network ID होता है और उस नेटवर्क आईडी के सहायता से वो डेटा को फॉरवर्ड करता रहता है। राउटिंग टेबल में कुछ एंट्रीज होती हैं जो हम आगे देखेंगे। जो एंट्रीज होती हैं वो है नेटवर्क डेस्टिनेशन एंड नेटवर्क सबनेट मास्क स्पेसिफिक टू द रेंज ऑफ IP एड्रेसेस वेयर द डेटा इज टू बी फॉरवर्डेड। रिमोट राउटर का IP एड्रेस और राउटर विच इज यूज टू रीच द नेटवर्क विच इज द डेस्टिनेशन नेटवर्क। और उसमें होता है एक आउटगोइंग इंटरफेस। तो डेटा कौन से इंटरफेस में से बाहर जाएगा उस राउटर के, वो राउटर में फेड होता है इन द राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल आल्सो इंक्लूड्स
three different types of methods of populating the routing table, जिसमें है directly connected subnets, static routing and dynamic routing. अब हम इन routing methods को independently study करेंगे. Internet routing tables को study करने से पहले अगर हम एक example ले लें तो हम देखेंगे कि एक host A है, उसके बाद एक router है. अगर आप router के पास देखेंगे दो ports दिए हैं, जो fast ethernet 00 और fast ethernet 01. ये connected हैं, एक 192 network को connected है, एक 10 के network को connected है. तो host A ने अगर host B को कुछ information भेजनी है, तो over the network, it has to do it from the 192 network to the 10 network. अब routing table में वो कैसा नजर आएगा? हम वो देखेंगे, इसकी command है, show IP route command. अगर हम command prompt में डालेंगे, तो हम देखेंगे, जो directly connected networks हैं, उनके आगे C लिखा होगा, जैसे आप देख सकते हैं, 192 network के आगे भी C लिखा हुआ है, which shows that जो router है, उसको 192 network directly connected है, और 10 के आगे भी जो C लिखा हुआ है, वो भी ये दिखाता है, कि जो 10 network है, वो भी इसी network को directly connected है. That is how we say that these are connected routes. अब connected routes जो directly connected होंगे, तो हमने क्या देखा है कि अगर IP route show IP route की command डालेंगे command prompt में, तो उसमें हमें C का notation नजर आएगी उन direct connected routes के आगे. अगला जो आता है वो है static routes. Static routes जो है वो हम force करते हैं router को उसको accept करने में, और इसका जो command है वो है destination network, उसका subnet mask और next hop address. ये तीन चीजें जब हम static route में देते हैं और router को ये inform करते हैं कि आपको जब ये network की जरूरत हो उसी network पे आगे अपने information भेजनी है, तो उसको हम static route भेजते हैं. ये हम अब कैसे देखेंगे network में या अपने computer में? तो command remains the same. Show IP route जब हम command डालेंगे तो हमारे को जितने भी networks connected हैं वो नजर आएंगे, और जो static networks हैं उनके आगे notation आएगी S. S stands for the static route. जो अगली routing है वो है dynamic routing. Again if we see an example, router A to router B and to host. तो dynamic route क्या होता है कि router A जो routing table B का है वो उनसे accept करता है, और जितनी information router B के routing table में होती है वो router A में आ जाती है. Again coming back to the same command show IP route, जब हम डालेंगे तो जो भी route है, जो dynamic route है, उसके आगे notation आएगी D. D means it's a dynamic route. और ये generally जो route use करते हैं वो EIGRP, that is Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, या फिर RIP, जो protocols हैं, वो dynamic routes accept करती हैं. अब routing protocol जो use हो रही है, वो हमने देखा कि वो use होती है data को एक host से दूसरे host को भेजने के लिए. लेकिन अब ये router को कैसे पता चलता है कि कौन सा route select करना है? तो ये जो हम आगे देखेंगे कि या तो हम route selection को routing protocols के ऊपर छोड़ दें, वो खुद learn कर ले, या हम उसको manual configure कर सकते हैं. This can be done in a number of means. इसमें जो process involved है, that is under three categories. जो पहला है कि various routing processes which actually run a network protocol such as EIGRP or RIP या ISIS या Open Shorted Path First, that is OSP. ये हम इन protocols के ऊपर छोड़ देते हैं, और ये जो protocols हैं वो routing route set करते हैं depending on the distances, depending on the hop counts. ये routing protocols ये तय करती हैं कि हमारा जो data है वो कौन सा route follow करेगा. The routing table itself, which accepts information from the routing process and also replies request to the information from the forwarding process. इसका मतलब है कि जो routing table है वो जो आसपास के routers हैं उनसे
राउटिंग टेबल्स लर्न करता है और रूट्स लर्न करता है. तो दैट हेल्प्स देम टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉरवर्डिंग प्रोसेस कि एक जो डेटा आया है उसका हमने नेटवर्क लेयर पे आके उसका आईपी एड्रेस ढूंढा. आईपी एड्रेस ढूंढ के अगला हमने हॉप देखा वो कहाँ पे जाएगा. द फॉरवर्डिंग प्रोसेस विच रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द राउटिंग टेबल टू मेक पैकेट फॉरवर्डिंग डिसीजन. तो हम जो रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करते हैं वो राउटिंग टेबल से रिक्वेस्ट करते हैं जो पैकेट हमारा आगे जाएगा वो कौन सा रूट फॉलो करेगा. अब ये राउटिंग टेबल बिल्ड कैसे होता है ये हमने देखना है कि राउटर कौन कौन सी चीजें देखता है इस राउटर टेबल को बिल्ड करने के लिए. राउटिंग टेबल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द राउटर्स बिकॉज दैट इज वॉट गिव्स द फॉरवर्डिंग नेक्स्ट हॉप ऑफ द डेटा. इसमें हम जो कंसिडर करते हैं वो तीन चीजें हैं. एक है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस. एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इज द मेजर ऑफ द ट्रस्टवर्थीनेस ऑफ द रूट विच द सोर्स एक्सेप्ट्स. इफ द राउटर लर्न्स अबाउट द डेस्टिनेशन फ्रॉम मोर देन वन राउटिंग प्रोटोकॉल एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इज कंपेयर्ड. अब जो कंपैरिजन होता है जो भी प्रोटोकॉल है उसमें कुछ डिफॉल्ट डिस्टेंसेज होते हैं तो वो डिस्टेंसेज को कंपेयर करता है और जो भी छोटा डिस्टेंस होता है उसको वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस लेता है और वो राउटिंग टेबल से वो राउटिंग प्रोसेस लर्न कर लेता है और उस रूट की एंट्री राउटिंग टेबल में हो जाती है. और जब भी कोई डेटा आता है उस रूट के लिए तो इस रूट को यूज करता है फॉरवर्डिंग के लिए. अगली जो चीज होती है वो है मैट्रिक. दिस इज द मेजर यूज बाय द राउटिंग प्रोटोकॉल टू कैलकुलेट द बेस्ट पाथ टू अ गिवन डेस्टिनेशन. If it is learned from multiple paths, then each routing protocol uses a different metric. एक और जो है वो है prefix length. This is in the subnetting. उस subnetting chapter में ये clear होगा. Coming back to the administrative distances. A network can use more than one routing protocol and routers on the network and learn about the routes from multiple sources. Routers need to find a way to select the better path. अब जो routing है टू मेक इट ऑप्टिमल हमें बेस्ट पाथ यूज करना है. और बेस्ट पाथ क्या है? सबसे छोटा और सबसे क्लियर पाथ इज द बेस्ट पाथ. एडमिनिस्ट्रेटिव नंबर इज यूज्ड फॉर राउटर्स टू फाइंड आउट विच रूट इज बेटर फॉर द डेटा टू फॉलो. और द लोअर नंबर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इज द बेटर पाथ. अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो ये मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूं. जितने भी डिस्टेंस टेबल्स हैं वो अगले स्लाइड्स में दिखाऊंगा. जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ऑफ EIGRP प्रोटोकॉल वो है 90. और जो RIP प्रोटोकॉल है उसका है 120. तो जब भी कोई राउटर रूट लर्न करता है फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज, अगर कोई EIGRP प्रोटोकॉल रन कर रहा है और दूसरा जो RIP प्रोटोकॉल रन कर रहा है, तो राउटिंग टेबल में जो राउटर है वो EIGRP स्टोर करेगा क्योंकि उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है वो 90 है. So this can be displayed if you see on the slide. जहां भी एक रूट लर्न हुआ है एक 90 करके जो सर्कल्ड है आप देखेंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है. और दैट इज द लर्न द राउटर लर्न्स फ्रॉम द एडजेसेंट राउटर्स टू मेक द फॉरवर्डिंग डिसीजंस. ये अब स्लाइड जो है इसमें आप देखेंगे जो मैंने दर्शाया है वो है कि कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स क्या क्या राउटिंग डिस्टेंस यूज करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंसेस. अगर आप देखेंगे अगर डायरेक्ट कनेक्टेड है तो डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंसेस है 0. क्योंकि 0 कैसे है? अब इसके बीच में कोई हॉप नहीं है. जैसे ही डेटा इस राउटर के पास पहुंचता है तो वो डायरेक्टली उस होस्ट को फॉरवर्ड करता है बिकॉज वो होस्ट जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है. ऐसे ही स्टैटिक में 1 है. स्टैटिक में 1 इस तरीके से होता है क्योंकि हम स्टैटिक रूट्स फोर्स करते हैं ऑन टू द राउटर. The others are learned as the is shown on this slide. OSPF का है 110, EIGRP जो internal है उसका 90 है जैसे हमने पहले देखा एग्जाम्पल में, जो IGRP है उसका 100 है, ISIS 115, RIP का 120. तो इस जैसे ही जो जो भी protocols different routers run कर रहे हैं for communication, उनके administrative distance के ऊपर depend करेगा कि कौन सा route जो है इसमें राउटिंग टेबल में स्टोर होगा. अगला जो है वो है मैट्रिक्स.
अगर कोई राउटर दो डिफरेंट पाथ से लर्न करता है एक सोर्स का डेस्टिनेशन का एड्रेस, तो द मैट्रिक डिस्टेंस मेजर्स इज यूज टू डिसाइड विच रूट इज बेटर. द लोअर नंबर ऑफ द मैट्रिसेस इज ऑल्सो बेटर. ईच राउटिंग प्रोटोकॉल यूजेज इट्स ओन मैट्रिक. फॉर एग्जाम्पल, रिप यूजेज द हॉप काउंट, वेयर एज ओएसपीएफ यूजेज द कॉस्ट ऑफ द लिंक. अब मैट्रिक्स में हम ऐसे देखेंगे, अब राउटर 1, 2, 3 और 4 है और एक हमारे पास होस्ट है. तो जो भी डेटा होस्ट के लिए आता है वो दो रूट फॉलो कर सकता है, या तो राउटर 1, राउटर 2 एंड द होस्ट. जो सेकेंड रूट है वो है राउटर 1, राउटर 3, राउटर 4 और इट गोज टू द होस्ट. अब अगर आप देखेंगे कि जो भी इसमें मैट्रिक में यूज करेगा वो हॉप काउंट यूज करता है, तो हॉप काउंट किसका कम है? राउटर 1, राउटर 2 और होस्ट पे एक हॉप काउंट आता है, वेयर एज राउटर 1, राउटर 3, राउटर 4 में दो हॉप काउंट आते हैं. तो जो राउटिंग टेबल में रूट स्टोर होगा वो होगा राउटर 1, राउटर 2 टू द होस्ट. अब मैट्रिक्स इसमें ये डिफ्रेंशिएट नहीं करता है कि राउटर 2 जो है वो किस तरीके से होस्ट को कनेक्टेड है. ये हो सकता है कि हम इस पे के ऊपर 56.6 kbps मॉडेम लगा हो, तो वो स्लो रूट हो जाएगा. और दूसरा जो रूट है राउटर 1, राउटर 3 और राउटर 4, ये हो सकता है एक 100 mbps का राउट हो एंड मे बी मच फास्टर. बट क्योंकि इसका हॉप काउंट 2 है, तो राउटिंग टेबल में जो रूट स्टोर होगा वो होगा राउटर 1, राउटर 2 और होस्ट. दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ द मैट्रिक्स, यूजिंग द मैट्रिक्स फॉर स्टोरिंग द रूट्स इन द राउटिंग टेबल. अब मैट्रिसेस जैसे हमने पहले देखा, आरआईपी जो करता है वो हॉप काउंट यूज करता है, एआईजीआरपी बैंडविड्थ एंड डिले यूज करता है, और ओएसपी यूज करता है कॉस्ट. अब डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो उसका डिसीशन वो कंसिस्ट करता है 3 सेट्स ऑफ प्रोसेसेस पे. एक है राउटिंग प्रोटोकॉल, दूसरा है राउटिंग टेबल एंड फाइनली द एक्चुअल प्रोसेस विच मेक्स फॉरवर्डिंग डिसीजन. तो ये जो फॉरवर्डिंग डिसीजन है वो पैकेट्स को स्विच करता है फ्रॉम राउंड वन राउटर टू द अदर, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री इज शोन इन द डायग्राम. तो हमारा एक राउटिंग प्रोसेस है, वो राउटिंग प्रोसेस जो है वो राउटिंग टेबल से इंफॉर्मेशन लेके नेक्स्ट हॉप कैलकुलेट करता है और उसको फॉरवर्ड कर देता है विद द यूज ऑफ द फॉरवर्डिंग प्रोसेस. अब हम देखेंगे कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स कितने टाइप की होती हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स. एक डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल है जिसमें रिप एंड आईजीआरपी, इसमें कई और राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, मैंने एग्जांपल्स अभी दो ही दिए हैं. और एक है लिंक स्टेट. लिंक स्टेट के अंदर जो प्रोटोकॉल्स यूज होती हैं वो ओएसपीएफ एंड आईएसआईएस है. टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल्स, ये जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो डिस्टेंस डिटरमिन करने के लिए बेस्ट पाथ का, वो रिमोट नेटवर्क का जो बेस्ट पाथ है वो यूज करता है द डिस्टेंस. द डिस्टेंस इज यूजुअली द नंबर ऑफ हॉप्स, तो उसमें हॉप काउंट आ जाता है. जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा राउटर 1 और राउटर 2, इट हैड अ हॉप काउंट ऑफ 1, वेयर एज राउटर 1, राउटर 3 और राउटर 4 हैड अ हॉप काउंट ऑफ 2. देयरफॉर जो राउटिंग टेबल में स्टोर हुआ वो था राउटर 1 टू राउटर 2 और टू द होस्ट. तो हॉप काउंट जिसका कम है वो डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल में यूज होता है और वो डिस्टेंस राउटिंग टेबल में स्टोर हो जाता है. इन डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल्स दे सेंड द कंप्लीट राउटिंग टेबल टू ईच नेबर एंड देयरफॉर यूजेस मोर बैंडविड्थ. डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल में जब भी राउटिंग टेबल्स शेयर होते हैं इन द एडजेसेंट राउटर्स, वो पूरे का पूरा टेबल अपना जो है वो अगले एडजेसेंट राउटर को भेज देते हैं. इसमें हम बैंडविड्थ बहुत लूज करते हैं क्योंकि हमें पता है कि जब हम सिर्फ इंक्रीमेंटल टेबल अगर करेंगे तो हमारी बैंडविड्थ कम यूज होगी, लेकिन डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल में पूरा राउटिंग टेबल इज शेयर्ड एंड दैट इज स्टोर्ड इन द एडजेसेंट राउटर्स. डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल दे आर सिंपलर टू कॉन्फिगर. वो सिंपल कैसे हैं? क्योंकि पूरा जो टेबल है वो शेयर होता है एडजेसेंट राउटर्स के साथ, तो जैसे ही हम कुछ कई जो राउटिंग टेबल्स हम एंट्रीज करते हैं वो एडजेसेंट राउटर्स में रेप्लीकेट हो जाती हैं. एंड रिप एंड ए आई जी आर पी
are examples of the distance vector protocols. The link state protocols, they advertise information about the network topology directly connected to the links, so that in the end, all routers are running a link state protocol and have same topology database. So, इसका क्या मतलब हुआ कि जो link state protocols हैं, वो अपना advertise जो अपने पास उनके पास information है, वो उसको advertise कर देते हैं adjacent routers को, और जो adjacent routers को information चाहिए होती है, वो अपने routing table में store कर लेते हैं. इसलिए जो भी topology होती है in the adjacent routers, वो सबकी same हो जाती है. Link state routing protocols converge much faster than the distance vector routing protocols, and they support classless routing. Classless routing को हम आगे study करेंगे. Link state protocols also send updates using multicast addresses and triggered routing updates. Link state protocols also require more router CPU and memory of the user than the distance vector. क्योंकि उसको learn करना है information from the adjacent routers, तो उसकी CPU speed better होनी चाहिए, उसकी memory larger होनी चाहिए, because there'll be a lot of information it is going to store before it is going to make the final routing table, which it will use for the forwarding of data. Each router running link state routing protocol creates three different tables. एक neighbor table बनता है, एक topology table बनता है, और तीसरा router table बनता है. जो neighbor table है, जो भी information उसको अपने neighbors से, adjacent neighbors से प्राप्त होती है, वो उसको स्टोर करता है. उसको स्टोर करने के लिए वो कंपेयर करता है, और फिर कंपेयर करने के बाद उसको राउटिंग टेबल में अपडेट करता है. जो दूसरा टेबल है वो है टोपोलॉजी टेबल. दिस टेबल स्टोर्स द टोपोलॉजी ऑफ द एंटायर नेटवर्क. जिस नेटवर्क में वो राउटर प्लेस्ड है, उसकी पूरी टोपोलॉजी वो टोपोलॉजी टेबल में स्टोर कर लेता है. एंड फाइनली द राउटिंग टेबल, दिस इज द टेबल फाइनली यूज्ड फॉर फॉरवर्डिंग द डेटा. And the table stores the best routes which are to be followed for forwarding data. इसमें हमने देखा internet routing protocol कैसे use होती है, वो routing decisions कैसे लेते हैं routers, और कैसे shortest path ढूंढते हैं data को forward करने के लिए, और data कैसे final host A से host B को from source to destination पहुंचता है.